हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इनकंसीडरेबल थिंकिंग्स। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग इस वीडियो में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको डिटेल्ड डिस्कशन मिलने वाला है, जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमको दिया हुआ है कि अननोन इंटीरियर। अननोन यहाँ पे टर्म क्यों यूज किया गया है? हेडिंग अननोन इसलिए यूज किया गया है कि हमको लोगों को पता नहीं है अब तक कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। जो हमारे लोगों के अलग अलग सोर्सेस हैं, हम लोगों ने खाली उससे अभी तक गेस किया है। हम लोग अभी तक पृथ्वी के अंदर पहुंचने की बात दूर, हम लोग अभी उसका 1/10,000 पार्ट भी खोद नहीं पाए हैं। अंदर हम लोगों ने खाली और खाली कुछ सोर्सेस के माध्यम से ही पता करके रखा है कि पृथ्वी अंदर से कैसी होगी। ह्यूमंस हैव नॉट पेनिट्रेटेड मोर देन 1,000 पार्ट ऑफ द अर्थ। हम लोगों ने अभी बताया कि 1,000वें हिस्से तक भी पृथ्वी के रेडियस के हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन के जो एक्सप्लोजन होते हैं, जैसे कि हम लोग अभी एटॉमिक अपने रिएक्शंस करते हैं या कहीं बम फोड़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उससे जो चीजें मिल रही हैं उससे अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है, उससे हमको लोगों को ह्यूमन मेड एक्सप्लोजन्स होते हैं, उससे हमको लोगों को अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में पता लग रहा है। हमारी नॉलेज अभी तक इनकम्प्लीट है इस फील्ड में। और उसके बाद देखेंगे, साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड दैट अर्थ हैज अ वेरी हैवी इनर कोर। इनर कोर कैसे हमको लोगों को पता चला कि ये हैवी है? क्योंकि इस अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस के माध्यम से कैलकुलेट की गई थी, वो जो आई है वो 5.5 की है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की। लेकिन जो अपनी क्रस्ट है इसकी डेंसिटी बहुत कम है, जिससे हमको लोगों को ये पता लग गया कि अर्थ की जो इनर कोर है ये काफी हैवी है, बहुत ज्यादा। एंड इट इज सराउंडेड बाई 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दिया ना, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ये है कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल ऐसे रिंग्स बनती रहती हैं। तो पृथ्वी के अंदर ऐसी कौन कौन सी तीन चीजें हैं? पहला है अपना लोगों का क्रस्ट, फिर दूसरा है मेंटल, और तीसरा है कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये तीन लेयर्स हैं। उसके बाद क्रस्ट तो अपनी सिंपल ही है, जिसमें कि हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अलग हो जाती है और ओशियनिक क्रस्ट हो जाती है। मेंटल में हमारी इनर मेंटल है, अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है। और कोर जो है वो इनर कोर है और आउटर कोर है, ये भी टू पार्ट्स में है। अब उसके बाद देखेंगे कि वेरियस कंपोजिशंस एंड वेरियस डेंसिटीज, इनकी ये लेयर्स हमारी लोगों की क्यों बन गई? क्योंकि पृथ्वी पर जो लेयर्स हैं इसकी सबकी डेंसिटी अलग अलग है, और सबकी डेंसिटी के कारण जो सबकी कंपोजिशन है वो भी अलग अलग है। कंपोजिशन क्या क्या है? सियाल फीमा निफे, SiAl, मतलब ये रहा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। सीमा SiMa, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और फिर नीचे हमको लोगों को मिलेगा NiFe, मतलब निकल और फेरियम, लोहा। यहाँ पे लोहे का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि सैंपल स्टडी, जैसे कि हम लोगों का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया जाता है कि गर्मियों में हम लोगों ने मेलन जरूर खाए हैं, जिसे वाटरमेलन, तरबूज। अब हमको लोगों की ये कैसे पता लगता है कि ये पका हुआ है कि नहीं? उसमें एक टांक जैसी लगाई जाती है, जिसके कारण हमको लोगों को इसके अंदर का भी पता लगता है। या कोई की एक स्लाइस कटिंग करके देखते हैं किसी भी चीज का, तो ऐसा पृथ्वी के अंदर पॉसिबल तो है नहीं।
कि पृथ्वी में हम लोग चेक कर लेंगे कि ये चीज पॉसिबल है कि नहीं है, उसके अंदर क्या है, ये पृथ्वी के अंदर दिस थिंग इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, पृथ्वी के अंदर ये चीजें संभव ही नहीं है, दे आर नॉट एट ऑल पॉसिबल। बट जो हम लोगों ने अभी तक माइनिंग की है, ड्रिलिंग की है, उससे हम लोग अभी तक खाली और खाली जो है 12 किलोमीटर की डेप्थ तक पहुंच पाए हैं। यहाँ पे जो फ्यू किलोमीटर्स दिया है उसका ये मतलब है कि ये 12 किलोमीटर्स का है, जो कि हम लोगों ने रशिया के इलाके में इसको ड्रिल किया है। अब उसके बाद अर्थ की रेडियस के बारे में बताया है। अर्थ की रेडियस हमारी कितनी है, 6,371 किलोमीटर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन ऑप्शन वाले में पूछा जाता है। अब उसके बाद अगर आप लोगों को ब्रीफ आंसर लिखना है तो उसमें तो ये डाटा यूज होगा ही। अब उसके बाद इंटरनल मटेरियल रीचेस टू द सरफेस फ्रॉम डेप्थ ऑफ वॉल्केनिक एरप्शंस। अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग इसका बाद में देखेंगे कि कैसे क्रस्ट हमें डिस्ट्रॉय होके मेंटल में पहुंचती है, मेंटल फिर से वॉल्केनिक एरप्शन के कारण लावा बन के ऊपर आता है, फिर से वो क्रस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। अब हम लोग देखते हैं कि ड्रिलिंग इनटू द अर्थ, जो हम लोगों ने अभी बताया कि 12 किलोमीटर का डेप्थ हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 7.6 माइल्स इनटू द अर्थ क्रस्ट, ये रशिया के इलाके में हुआ है। अब उसके बाद देखते हैं कि ये जो शिप डीप ओशियनिक प्रोजेक्ट्स चलते हैं ओशियन फ्लोर में, क्योंकि वहां पे जो क्रस्ट है इसकी थिकनेस कम है, एवरेज थिकनेस वहां पे हमारी लोगों की क्रस्ट की खाली 5 किलोमीटर की है, कहाँ पे, ओशियन में, जबकि वहीं पे कॉन्टिनेंट पे आएंगे तो वो 30 किलोमीटर की एवरेज थिकनेस हो जाती है। ठीक, ये चीजें देख ली। अब उसके बाद यहाँ पे शिप्स वगैरह होते हैं जो इसकी ड्रिलिंग करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लावा इटसेल्फ इज नॉट ए परमानेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये भी परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्रस्ट का फॉर्मेशन करेगा, फिर क्रस्ट डिस्ट्रॉय होगी, वो बन फिर से लावा बनेगी और लावा फिर से क्रस्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब उसके बाद इट फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक कंडीशन प्रिवेलिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये वाला चीज तो आपको ध्यान रखना ही है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कंडीशंस प्रिवेल करती हैं उसी के कारण इसका फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद नो परमानेंट चेंबर्स ऑफ मैग्मा, हम लोगों ने देखा है कि मैग्मा का कोई भी एक भी परमानेंट चेंबर नहीं है। अब उसके बाद ग्रेनेटिक रॉक्स कंटेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने के कारण पृथ्वी जो है अंदर से बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो रिएक्शंस होते रहते हैं। अब उसके बाद हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द फ्यूजन एंड फिजन, फ्यूजन और फिजन के कारण पृथ्वी के अंदर भी हीट जनरेशन हो रहा है। फ्यूजन का मतलब उसमें U238 जो होता है, U238 इसमें एक हाइड्रोजन का एटम आके जुड़ जाता है, और फिजन में यही जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये पृथ्वी के अंदर ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं। अब उसके बाद डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ सरफेस ऑफ रॉक इज 2.7 to 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो अर्थ की डेंसिटी है, कहाँ की, अर्थ की डेंसिटी एट क्रस्ट, क्रस्ट की जो अर्थ की डेंसिटी है वो आपकी रही 2.7 ग्राम से लेके 2.9 ग्राम तक के बीच में रहती है। अब उसके बाद एवरेज डेंसिटी जो अर्थ की है वो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये अर्थ की, ध्यान दीजिएगा ये अर्थ की क्या है, एवरेज डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि द डेंसिटी ऑफ मटेरियल लाइंग इनसाइड द अर्थ
विल बी मोर देन 5.5 ग्राम। क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज देख ली, अभी देखा कि अर्थ की जो डेंसिटी है क्रस्ट की वो है 2.9 ग्राम या 2.7 से 2.9 ग्राम तक है, तो उसके बाद इससे हैवी मटेरियल ही होगा, तभी तो अर्थ की एवरेज डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब उसके बाद ये बिलीव किया जाता है कि कोर, कौन सा कोर, कोर का इनर पार्ट, मतलब इन कोर दो पार्ट में है, आउटर कोर इनर कोर, इनर कोर में इसकी डेंसिटी जो होगी वो अराउंड 12 टाइम्स ऑफ वाटर। हम लोगों ने ये देखा है कि डेंसिटी हम लोग कौन से उसमें कंपेयर करते हैं, वॉर इन कंपैरिजन टू वाटर, पानी के कंपैरिजन में करते हैं, पानी 1 ग्राम पानी आता है 1 ग्राम ऑफ वाटर इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम पानी आता है। अब ये उसका 12 टाइम्स, मतलब 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अर्थ की कोर का, इनर कोर का रहेगा, आउटर कोर का लगभग 10 माना गया है कि 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहता है। अब हम लोग आगे की वीडियोस में ये इसका डिटेल चीजें और भी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल दैट्स इनकंसीवेबल थिंकिंग।